द टीवी एन आर आई देख रहे हो, मैं हाँ सुखबीर सिंह शेरगिल। बीते दिन ही नरमे की फसल बर्बाद हो गई है, जिहड़ी गुलाबी सुंडी है उसके करके किसानों को भारी जिहड़ा खमियाजा भुगतना पै, नकली दवाइया का करके, नकली बीजा का करके। उत्थे ही बहुत सारे किसानों के वलों रोह दे विच आ के सोशल मीडिया के उत्ते बहुत सारिया वीडियोज़ पाई गई, सरकार को जगाने की कोशिश की गई, क्योंकि सरकार के वलों पुख्ता प्रबंधन खेती लैके नहीं है। इस दे करके किसानों जिहड़ा गुलाबी सुंडी का उसके हमले का सामना करना पिया। इस लैके जिथे सुखबीर सिंह बादल पिछले दिन ही उन्होंने इलाकों के गए से जिथे नरमे की फसल के उत्ते भारी जिहड़ी है गिरावट आई है, कह सकते हैं कि उसके उत्ते हमला किया, जिस दे नाल किसानां दी बहुत वड्डी मात्रा दे विच फसल जिहड़ी है वह खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। जिथे उन्होंने दिल के उत्ते पत्थर रख के फसलों नूं वाहुणा पै रहा है, उत्थे ही अज चरणजीत सिंह चन्नी दे वलों पहुँचा गया है। चरणजीत सिंह चन्नी दे वलों फिलहाल ये जिहड़ा मुआवजा देने की गल भी की गई है कि किसानों के खातों के सीधी रकम जिहड़ी है वह आएगी, नाल दी नाल उन्हां दे वलों अफसरां नूं भी हिदायत साफ तौर पर दी गई है कि पुख्ता प्रबंधन खेती नूं लैके कीता जावे, हरेक तरीके दे नाल सरकार जिहड़ी है वो किसानां दे नाल खड़ी है। तो नाल दी नाल उन्हां दे वलों होर भी बहुत सारिया हिदायतां दित्तियां गईयां ने अपने जिहड़े मौजूदा अफसर ने उन्हां नूं लैके, नाल उन्हां दे सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद सन। हालांकि किसान दे वलों जिस दे खेत दे विच पहुँच की गई उसके वलों ये जरूर किया जा रहा है कि उसनों मिलन तो पुलिस वल रोकया जा रहा सी, चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल मिलना चाहते सी, उन्हां दे नाल गलबात करना चाहते सी इस सारे हालातों नूं लैके, पर जिहड़ा पुलिस दे वलों प्रशासन दे वलों उन्हां नूं रोकया गया। होर इस चीज़ बारे की चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है उसके उत्ते तुसीं आप निगाह मार लवो, आप झात मार लवो। तो स्पैशल रिपोर्ट जिहड़ी है राकेश शर्मा की बठिंडा तो तुहाडे नाल सांझी कर लैंदे आ। सरकार किसानों के नाल खड़ी है, ये हर मुआवजा भी दिता जाएगा, हर भरपाई की जाएगी। पहला टोटल असी पेस्टिसाइड फटाफट भेज रहे हैं ताकि ये जी बीमारी है यदा इलाज किया जा सके। पहला इलाज मत बना के बाद अगर गल कर इसने माते 55,000 बाहर ठेके से लैके 8 महीने हो गए घरे पैके नहीं देखा जी, अभी जो चुगन से साडा हाल हो गया। तुम जो मुआवजा दोगे रात चोर बैठे है, चोरों से काबू पाओगे कामयाब हो सकता जिम्मेदार नहीं हो सकता जी। जिम्मेदार जिम्मेदार मिलना चाहिए, रात चोर बैठे है चोर ना खान मनूगा बाकी गरीब घर दे मैं भी गरीब घर दी हाँ जी हाँ जी मुआवजा आएगा वो किसान नूं जाएगा सीधा बिच बचाले कुछ नहीं होना, ये कोई पुरानी सरकार नहीं है, एक आम आदमी लोकां दी सरकार। बस की कहना जी, तां दुखी रोए सीगे, मतलब सानूं कोई कोई नेड़े जाण दिंदा जी, मतलब सानूं दफ्तर च जाइए उत्थे तां सानूं इन्हां ने नेड़े की जाण देना दफ्तर दे विच। अज मेरे खेत दे विच खड़े आ मुख्यमंत्री साहब, पुलिस वाले आए करी बैठे बाहां मैनूं उहदे विच नहीं वड़न दिंदा, मैं धक्के नाल वड़ के गया। की लगदा जो वादे कीते पूरे हो? वादे कीते आ भी लगदे पूरे आ, जिवें कहिंदा मैं गरीब घर दा बेटा है, जफ्फी पा के मिले आ, मैं कहा मैं भी गरीब घर दा ही है। मैं उहनां नूं इह गल कही आ जिहड़ा तुसीं मुआवजा देओगे मतलब भी वो जे किसानों तक पहुंच जाए जिहदा नुकसान होया तो थोड़ा धन्नवाद, तेरे मगरमच्छ बहुत बैठे खाने भी उन्होंने तो बचाओ। हाँ लगता भी जिवें जफ्फी पा के मिले, भरोसा दे के गया। हूँ मुआवजे की घट्टो घट 60,000 60,000 रुपया जी। नुकसान 100% ही है, नरमा चुगन वाले 810 रुपया के लिया, एक बार नरमा चुग के बागे दुबारे आए नहीं, ठेके से है जी, कुछ 2-3 किले 4 आपदे जी, 60,000 ठेके से जी। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ? 5-6 ਕਿੱਲੇ, 5-6 ਕਿੱਲੇ ਬਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ।